डबल हेलमेट लगाना हमीरपुर में दो पहिया वाहनों के लिए निर्देश जारी होने के बाद भी सिरदर्द बना हुआ है। आलम ऐसा है कि पुलिस की सख्ती के बावजूद भी दो पहिया वाहनों में इक्का दुक्का ही डबल हेलमेट देखे जा रहे हैं, जिससे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। हालांकि पुलिस विभाग की माने तो डबल हेलमेट का प्रावधान MBI एक्ट है। डबल हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करने के लिए अब पुलिस गांधीगिरी का तरीका अपनाकर लोगों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करेगी। हमीरपुर पुलिस ने भी दो पहिया वाहनों में डबल हेलमेट लगाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। DSP हितेश लखनपाल ने कहा कि MBI एक्ट में डबल हेलमेट पहनने का प्रावधान है, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाओं में पिछली सवारी को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में भी पिछले कुछ दिनों में दोपहिया वाहन चालकों के सबसे ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों को डबल हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले कुछ दिनों तक पुलिस गांधीगिरी तरीके से समझाने के लिए काम करेगी। आज तक जो सुविधा कोई भी सरकार न दे सकी, वे सुविधा अब जोनल अस्पताल मंडी में डॉक्टर उदय भानु राणा ने उपलब्ध करवाई है। दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन करने वाला जोनल अस्पताल मंडी प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। पैंतीस वर्षीय युवा डॉक्टर उदय भानु राणा ने मरीजों की सुविधा देने के लिए 10 लाख रुपए के उपकरण बिना किसी सहायता के अपनी जेब से पैसे खर्च करके लिए हैं। निजी अस्पताल में इस ऑपरेशन का खर्च करीब 2 लाख तक रहता है। स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों को ये सुविधा बिल्कुल फ्री मिल रही है। इस ऑपरेशन की खासियत ये है कि ऑपरेशन के उपरांत करीब 20 दिन में मरीज सामान्य हो जाता है। यही नहीं, डॉक्टर उदय भानु राणा ने खुद करीब 3 लाख रुपए खर्च कर दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन करने के लिए ट्रेनिंग तक की, जिसे डॉक्टरी भाषा में लेप्रोस्कोपी मिनिमल इन्वेंसिव सर्जरी कहते हैं। जोनल अस्पताल मंडी में तैनात सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संदीप ठाकुर ने भी अपने खर्च से ये ट्रेनिंग की थी और अब अपनी जेब से करीब 3 लाख खर्च कर कमला नेहरू अस्पताल में दूरबीन तकनीक से ऑपरेशन करने के लिए उपकरण खरीदे थे। अब डॉक्टर संदीप राठौर और डॉक्टर उदय भानु मिलकर दूरबीन तकनीक से जोनल अस्पताल मंडी में ऑपरेशन कर रहे हैं। जलवाहक कम सेवादार संघ की हड़ताल पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही है। अपनी मांगों को लेकर जलवाहक कम सेवादार संघ ने अतिरिक्त उपायुक्त मंडी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन भेजा और ज्ञापन के माध्यम से संघ की मांगों पर शीघ्र निर्णय करने की अपील की। संघ ने सरकार को चेतावनी भी दी कि यदि 15 तारीख तक संघ की मांगों पर गौर नहीं किया गया तो 16 जुलाई से जलवाहक कम सेवादार संघ के सदस्य आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इस दौरान अपने संबोधन में संघ के अध्यक्ष भूटूराम ने कहा कि सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं फरमा रही है, जिसके कारण मजबूरन अब संघ को आमरण अनशन जैसे कड़ा फैसला तक लेना पड़ेगा। भूकंप जैसे किसी आपदा के समय बेहतर प्रबंधन के लिए प्रशासन की तैयारी एवं क्षमता का आकलन करना और प्रबंधों एवं व्यवस्थाओं में कमी का पता लगाकर विश्लेषण एवं सुधार करने के उद्देश्य से पूरे हिमाचल में वीरवार को मॉक ड्रिलों का आयोजन किया गया। इस ड्रिल के दौरान आपदा से निपटने की तैयारी, योजना के अनुरूप कार्य करने, आपसी समन्वय, सूचना एवं संचार माध्यमों के प्रयोग, प्रतिक्रिया, बचाव और राहत जैसे आपदा प्रबंधनों के सभी चरणों की गंभीरता से काम किया गया और जांच की गई। इस दौरान सामने आई कमियों को भी नोट किया गया।
मंडी जिला में अतिरिक्त उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आपदा के बेहतर प्रबंधन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपने दायित्वों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन भूकंप संबंधी आपदा को लेकर किए गए मॉक अभ्यास के दौरान सामने आई कमियों को ठीक करेगा ताकि किसी भी आपदा स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में 200 लोगों को आपदा से जुड़े राहत एवं बचाव कार्य को लेकर प्रशिक्षित किया गया है। इन्हें जिला में आपदा की स्थिति में गोताखोरी और इसी प्रकार के अन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। इनकी भी मॉक अभ्यास में मदद ली गई। इसके अलावा सर्व संस्था के स्वयंसेवियों की सहायता भी आपदा प्रबंधन में ली गई। ये सभी प्रशिक्षित स्वयंसेवी और जिला भर में अपना नेटवर्क मजबूत करेंगे।